बंदूकों और तमंचों के साथ दबोचे गए अंतर्राज्यीय असलहा तस्कर, झांसी में करते थे सप्लाई। चोरी की वारदात के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर चल रही है। सिपरी बाजार पुलिस के हाथे चार असलहा तस्कर चढ़ गए। उनके पास से 2 फैक्ट्री मेड बंदूकें व 2 तमंचे बरामद हुए हैं। तस्करों ने बताया वह हिमाचल प्रदेश व बिहार से असलहे लेकर झांसी में सप्लाई करते थे। पकड़े गए युवक सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के समराहा के निवासी हैं। निकट भविष्य में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थाना क्षेत्र सिपरी बाजार में रक्षा तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच 4 लोग उधर से निकले। जब उनको चेक किया गया तो उनके चारों लोगों के पास अलग अलग अवैध असलहे मिले। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो असलहे मिले हैं, एक उसमें मानवेंद्र यादव है जो रक्षा का रहने वाला, इससे DBBL गन प्राप्त हुई है। ऐसे ही शिवम है, इससे 315 बोर का असलहा बरामद हुआ है, अवैध असलहा। और 2 और लोग हैं जिनसे एक से DBBL और एक से 315 बोर का असलहा बरामद हुआ है। इन सभी को उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। ये जो फैक्ट्री मेड DBBL गन है, ये एक उसमें हिमाचल प्रदेश से फैक्ट्री से बिकी हुई है, जो मुरादाबाद में होलसेल में आई थी, वहाँ से फर्जी कागजों के आधार पर वहाँ से निकाली गई। और उसके बारे में अभी हम लोग पता कर रहे हैं। इस संबंध में 2015 में दिल्ली में भी एक मुकदमा कायम है जिसमें DBBL गन अवैध कागजों पर बरामद हुई थी और उसमें 3 आरोपी जेल भेजे गए हैं। और जो DBBL गन जो 2 मिले हैं, उसमें जो आरोपी हैं, इनका कहना था कि 2 जिन लोगों ने दिया है वो दोनों अभियुक्त आज के डेट में हत्या के केस में जेल में हैं। उनसे भी हम लोग अब इस संबंध में पूछताछ करेंगे कि DBBL गन उन लोगों को कहां से मिली थी। बाकी 315 बोर जो बरामद हुआ उसके बारे में भी हम लोग उनके स्रोत के बारे में पूछताछ करके उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। क्या उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, हम लोग जब ये सारे जो इनसे लीड मिली है, इस सब पे काम करेंगे तो आगे और बेहतर और अच्छे रिजल्ट हम लोगों को मिलेंगे।